गाइस वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं परमठ मंदिर कानपुर। हमारे साथ देव भाई भी है, आशू भाई भी है, समझे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज अभी पैदल जा रहे हैं, ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ने के बाद सीधे परमठ। चलो भाई, तो चलिए चलते हैं आगे आगे। इसकी यार लाइन सही नहीं लाया। और भाई देव क्या कहने चाहोगे? गैस अब इसी तरह हमारा प्यार बनाए रखिए। गैस बहुत बड़ा हरामी इंसान है ये, लड़कियों की नकली आईडी बना के इंस्टाग्राम पे लोगों को फंसा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटा दिखता है लेकिन है वो बड़ा हरामी टाइप का। तो ये झांसे में ले चुका है 3-4 लुंडे, इसके शिकार हो चुके हैं, उनका जिंदगी बर्बाद कर चुका है। जनता माफ नहीं करेगी। एक ये भी है। अच्छा ऐसा नहीं है, पकड़ा गया, पागल हो तुम। सब झूठ, कॉफी बुला रहा था, झूठ है झूठ। अच्छा जनता जानती है मुझको, अब तो सच बोल दे भोसड़ी। अच्छा अभी दिखाएंगे चैट तुम। क्या कहना चाहोगे भाई? कहा हो? नहीं वो है नहीं फ्रेम में, चला गया के पीछे देखो। कहा है वे? कमेंट करिए आप लोग अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो, बताएंगे जरूर हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको। कहो नहीं ये तो देखिए भाई साहब, लड़ाई मच गई। और भाई देव, हाँ भाई, देव का नाम है आज से, क्या नाम पता है? दुलारी है लेकिन दुलारी काम नहीं करता, ये कई लोंडो को अपना शिकार बना चुका है इंस्टाग्राम पे। शर्म करो, भगवान से डरो। तो गाइस हाँ फाइनली लोग ये कहना चाहेंगे कि हम लोग ने भी अपना इंस्टाग्राम चैनल ओपन कर लिया है, बहुत दिन हो गए बताया आज ही। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम प्लस ट्विटर का लिंक डाल दिया है, तो उस पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं हम लोग को ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। तो जल्दी जाइए और फॉलो कीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए और इस पे सब्सक्राइब कीजिए। ओ भाई लड़ाई मचने वाली है, देखिए गाइस झुंड लगा है गईयों का, सांडों का, लड़ाई मचने वाली है। बहुत भयंकर जाम फंसे हम लोग। पहले हम लोग जाएंगे घंटाघर, घंटाघर से जाएंगे परमठ, लेकिन जाम बहुत तगड़ा लगा भाई साहब। देखिए सामने अंकल जी चैटिंग कर रहे हैं। यार जाम बहुत है भाई, जो फाइनली गाइस जाम खुल चुका है और हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस देखिए ये हमारा कानपुर सेंट्रल, देखिए गाइस ये हमारा कानपुर सेंट्रल। गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं दूसरी ऑटो में, जा रहे हैं सीधे यहाँ से परमठ। ये देखिए हमारा कानपुर का घंटाघर कहाँ गया, तो क्या नाचो मैं? ये देखिए ये मुल्ला है, तो ये दिखाता हूँ अभी। ये हमारा घर कानपुर का घंटाघर था। तो अभी हम लोग जा रहे थे परेड, तो मिलते हैं आपसे परेड में। कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे भाई?
ये खाली ऑटो मिली है, उसमें हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वरना उसमें तो बहुत भीड़ थी खाली ऑटो में। गाइस देखिए भाई साहब भीड़ भाई बहुत भीड़ है, बहुत जाम बहुत लागे है यहाँ यार कानपुर में। मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली मुंबई में लगता है, अपने कानपुर में लगता है जाम अपने कानपुर में लागे क्या देखिए थाना कलेक्टर गंज राइस थाना कलेक्टर गंज तो आज और दो भूख तो लगी लगी नहीं लगी तो बता दो खिलाओगी तुम खिलाओ सारे मैं नहीं लगी कितना आ रहा अच्छा मैं खिला दूंगा खाएगा हाँ देख बहुत तेज हो रहा है वो तू बहुत तो गाइस थोड़ा प्लान चेंज आ गया, हम सीधे परमंड नहीं जा रहे हैं, अभी जाएंगे परेड, परेड से जाएंगे सीधे परमंड। बैग नहीं मिली है क्योंकि अभी बीच में त्यौहार था ईद का, तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ज़्यादा अभी ट्राइट नहीं मिल रही है, अभी परेड जाएंगे। अबे भाई साहब कितनी भीड़ है आज क्या बताऊं। देखिए पब्लिक मतलब लगता है क्या रिसर्च छोड़ के अभी लोग जा रहे हैं परेड, परेड से जाएंगे परमठ। हम लोग पहुंच चुके हैं परमठ धाम, चलिए चलते हैं अंदर बाबा के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए घंटा लगा हुआ है, बहुत ऊंचा लगा है, तो बजाय मैंने देखा होगा आपको, चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए गाइस दुकानें लगी हैं, तो अभी बस आगे चलते 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 आगे ही बाबा का दरबार है।
फैमिली दर्शन हो चुके हैं हम लोग के, तो अभी हम लोग आए, देखिए सब जगह देखिए बाहर। आज है मंगलवार, तो देखिए मंगलवार के हिसाब से बहुत आज भीड़ थी, काफ़ी भीड़ है आज। तो अभी हम लोग जो जो शाम की आरती के वक्त हो गया, इसलिए दरबार बंद हो गया है, उन्होंने अच्छे टाइम से दर्शन कर लिए। अभी हम चलते हैं गंगा घाट, आपको गंगा जी के किनारे चलते हैं, वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है, व्हाट अ व्यू। आपको दिखाता हूँ मैं पूरा, ये देखिए गाइस, ये देखिए, व्हाट अ व्यू भाई साहब, सिस्टम। ये हमारे कानपुर की खूबसूरती भाई साहब, व्हाट अ नजारा। तो गाइस देखिए, ये है माता गंगा का घाट, परमठ घाट, आनंदेश्वर धाम। ये है मंदिर और ये है हम लोग दर्शन कराए हैं। देखिए आपका व्यू दिखाते हैं भाई। जब हम लोग एक तारीख को आए थे, ज़्यादा भीड़ थी ना भाई, उस भाई जो तुम मानोगे जो आया नहीं था वो भाई देखिए गाइस, वोटिंग करिए, वोटिंग अब नीचे कमेंट करिए, वोटिंग करे गाइस, वोटिंग ना कर बे, घर में गालियां पड़ेंगी बंदा। नहीं भाई यार, मेरे वाले गालियां देंगे, गाली थोड़ी खानी भाई। क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा भाई? भाई बहुत ही मस्त लग रहा है। तो गाइस अभी सीन क्या हुआ था, सीन हम लोग का हुआ था, हम लोग जाए थे वोटिंग करने, देखिए उस पार तो, लेकिन इस लड़के की पटने लगी थी, अपने घर जाना है मुझे घर जाना है, तो हम लोग नहीं जा पाए। क्यों क्यों फट रही थी भाई, पहचान लिए, मैं गरीब हूँ, पैसा बहुत है, पैसे की बात ना करो। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास लगे, इसकी फट रही है भाई यार, तभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आएंगे नेक्स्ट टाइम, आएंगे कभी तब जाएंगे, अभी टाइम हो रहा है, अभी बहुत काम पड़े हैं। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से निकलते हैं अबे ऐसा ना करिए यार, तो कहते मैं गरीब। अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बाहर, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे घर, हो चुकी है थोड़ी बहुत रात, अभी हम लोग को मिल रहा है, अभी रिक्शा ढूंढ रहे हैं हम लोग, रिक्शा नहीं मिल रहा है हम लोग को भी, तो रिक्शा ढूंढ रहे हैं आगे चौराहे से मिलेगा, सीधे जाते हैं हम लोग घर। अभी लगी है देव भाई को भूख, देव भाई भूख लगी है, लेकिन जेब में पैसे हैं नहीं। भाई भीख मांगना पड़ेगा इसको, भीख मांग लो, नहीं ऐसा हो सकता है ना भाई, इससे एक इस एक हम लोग खिला देंगे, पहले इससे कहो एक एक लड़की को रोक के उसको आई लव यू बोल दे, एक छोरी से आई लव यू बोल दे यहाँ पर। अभी जो दीदी, जो दीदी बोले तू सर, क्या दीदी मेरा भाई खो चुका है अंदर मंदिर में, उसको मुझे फोन करना है, आपका फोन मिल सकता है, इतना तो कहना है, अगर तूने इतना कह दिया तो भाई साहब आप जो कहोगे वो खिलाऊंगा। ये फंस गया सी है, हां दीदी का नंबर है। फाइनली हम लोग रिक्शा, अभी हम लोग जाते हैं घर, लेकिन देव भाई को लगी है भूख, देव भाई को लगी है भूख, लगी है भूख, लेकिन हम लोग इनसे कह रहे हैं कि एक एक ऐसा कर दे कि एक लड़की जाए, एक लड़की के पास जाए और उससे कह दे कि भाई कि आपको क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है, क्योंकि मेरा भाई अंदर खो चुका है, खो गया है। अगर इतना कह दोगे, अगर बस इतना तुमने कह दिया ना, अभी तुमको फोन मिल जाएगा, ए खाना मिल जाएगा, तो चाले कितने नंबर दिए
अबे हम क्या करें नंबर तुम्हें बताना, चलो जी ने करो ठीक है जी मुश्किल है। दूसरा क्या ये कह सकते हैं, दूसरा था दूसरा प्लान है ठीक। तो मैं जिससे मैं कहूँ उसे कहना, तुमको जाके उससे कहना है कि आप बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से आते हैं? इतना कहते बस पहला जा रहा हूँ, कहते हम नहीं जाते पहले पहले मारो मारो ना, इतना कहते बताओ नहीं भैया घर पे खाना खा लेंगे। तो देखिए हम लोग गरीबी कि बच्चे अपने पेट से समझौता कर लेते हैं लेकिन ये नहीं करेंगे गंदा काम। जय श्री राम। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, अभी जा रहे हैं रास्ते में हैं। तो बस यही व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ गाइस इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जरूर फॉलो कर दीजिएगा, लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तो जरूर फॉलो करिए। और मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री राम।